बहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर मंडी के सेरीमंच पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश दिया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने संकन गार्डन स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सेरी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश दिया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अटल रोहतांग टनल बनाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। वहीं महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों को 26 जनवरी को लाल किले में सम्मानित किया गया है, जो कि बेहद गर्व की बात है। आजादी के बाद किसी ने ऐसी सोच नहीं रखी, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी राजनेता ने, कि किस प्रकार से लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी को। उन्होंने एक नई पहल हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया है और वो पहल है जनमंच के। जनमंच जो है वो प्रत्येक जिला में पहले रविवार को किया जाएगा और उसमें आज तक उसमें हजारों ऐसी समस्याएं, जहां प्रदेश का मंत्री बैठा होगा, प्रदेश की सरकार बैठी होगी, वहां सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी बैठे होंगे और इंडिविजुअल व्यक्ति जो है हमारी कोई भी भाई, हमारा बहन, हमारा सर्ग, हमारा नौजवान साथी जो है एक दो माइक लगे हुए, एक माइक में अपनी समस्या रखेगा और दूसरे माइक में जो है उस विभाग का अधिकारी जो है वो जनता के सामने उसका प्रश्न का उत्तर देगा, उस समस्या का समाधान करेगा। ये सोच अगर किसी ने शुरू की है, ये सोच हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां जनमंच शुरू हुआ है। इसकी सराहना हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है की है कि सभी प्रदेशों को कहा है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल जो है इस प्रदेश के अंदर शुरू की है, उसी प्रक्रिया में जहां हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटलधारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि हम जो हमारा ट्राइबल का क्षेत्र और ट्राइबल के क्षेत्र के साथ लेह लद्दाख को जाने वाला जो मार्ग था, उस मार्ग को किस प्रकार से आसान किया जाए, सुविधाजनक किया जाए, हमारे सशस्त्र सेना को जाने के लिए जो है एक बहुत बड़ी रुकावट रोहतांग में हुआ करती थी, उनकी उन्होंने शुरुआत की थी अटल टनल्स की। लेकिन पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस टनल का, जो विश्व की सबसे लंबी टनल सुरंग है, उसका विधिवत रूप में जो है स्वयं आकर के उसका उद्घाटन किया है। आज वो लोगों के लिए, स्ट्राइगल क्षेत्र के लिए खोली है, जिसमें बहुत बड़ी राशि राष्ट्र ने खर्च की है। गरवाल घाटी में झड़प हुई है और मुझे आज इस बात का भी कहते हुए गर्व और गौरव महसूस हो रहा है कि जिन हमारे सैनिक भाइयों ने, देश योजना अधिकारी ने वहां अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, आज 26 जनवरी को लाल किले में इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको जो है अनेकों अनेकों पदकों से जो है उनको सम्मानित किया है।